बॉलीवुड इंडस्ट्री के बिग बी अमिताभ बच्चन की फिल्म चीनी कम में बतौर चाइल्ड स्टार काम करने वाली अदाकारा सवीना खारा भी पिया घर सुधारने वाली हैं। अदाकारा की मंगनी भी हो गई है। भारतीय अखबार हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक फिल्म चीनी कम में अमिताभ बच्चन के साथ चाइल्ड स्टार के तौर पर काम करने वाली अदाकारा सवेनी खारा की मंगनी हो गई है। फिल्म में सवेनी खारा ने 9 साल बच्ची का किरदार अदा किया था जो कैंसर का शिकार थी। ये फिल्म 2007 में रिलीज हुई थी। तहम गुज़श्ता रोज 24 साल सवेनी खारा ने इंस्टाग्राम पर अपनी मंगनी की तस्वीर शेयर की और बताया कि वह जल्द अपने मंगेतर अरविश देसाई के साथ शादी के बंधन में बंध जाएंगी। सवेनी खारा ने इब्तदाई तौर पर चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर शोहरत हासिल की। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया जिनमें पारिणीता, दिल मिल गए, हरी पुत्र, पाठशाला, चीनी कम और MS धोनी शामिल हैं। इसके अलावा मकबूल TV प्रोग्राम बाप बहू और बेबी में भी अदाकारी कर चुकी हैं। शेयर की गई तस्वीर के साथ कैप्शन में गुलूकार टेलर स्विफ्ट के गाने का एक मिसरा भी लिखा गया है जिसका मतलब है कि मुझे कीमती चीज़ें बहुत पसंद हैं लेकिन मैं आपसे कागज़ की अंगूठियां पहनकर भी शादी कर लूँगी। अदाकारा अपनी मंगनी की तस्वीर में गुलाबी रंग का लहंगा पहने बहुत खूबसूरत लग रही हैं, जबकि उनके मंगेतर और विशी देसाई भी स्याह रंग का कोट और सूट पहने दिलकश नजर आ रहे हैं। वाजे रहे कि सवेनी खारा ने सन 2007 में रिलीज होने वाली फिल्म चीनी कम में अमिताभ बच्चन की पड़ोसन का किरदार अदा किया था। इसके अलावा सवेनी खारा ने TV ड्रामा बहू और बेबी में चिताली ठाकर का शरारती सा किरदार अदा किया था, जबकि दिल मिल गए और जिंदगी खट्टी मीठी जैसे मकबूल शोज में भी काम किया। अदाकारा को आखिरी बार स्क्रीन पर सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी में देखा गया था जिसमे उन्होंने जयंती नामी एक लड़की का किरदार अदा किया। याद रहे कि सवेनी खारा ने बतौर चाइल्ड स्टार मुतादी ड्रामों और फिल्मों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। YouTube पर Google News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Google News TV टाइप करें। Google News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।